एक्सक्यूज मी भाई, ये नाजनी कहां से आ गई हमारे घर में? तुम उसे जानते हो? इत्तेफाक से। ए लड़की, कौन हो तुम? जी मैं नाजनी, अम्मा जी की नर्स। तुम अपने मुतालिक पे तो मुझे कुछ बताओ बेटा, अपने बारे में। ये लीजिए आपकी कॉफी। अरे वाह, शिद्दत से तलब हो रही थी कॉफी। थैंक्स। आप बस कॉफी पीते रहे और ऑफिस की फाइलें देखते रहे, इर्द गिर्द क्या हो रहा है बिल्कुल ना देखिएगा। फिर क्या हो गया? वो आपके भाई है ना वकील साहब, एक खूबसूरत लड़की को घर में ले आए हैं और किसी को कुछ मालूम नहीं। खूबसूरत लड़की मतलब? मतलब तो आप उन्हीं से ही पूछिए। तुम्हें किसने बताया? मुझे कौन बताएगा, इस घर में कौन क्या कर रहा है मुझे क्या पता। ओहो, मेरा मतलब है कि तुम्हें उस लड़की के बारे में किसने बताया? अभी मिली हूँ उससे, किचन में ऐसे मंडला रही थी जैसे उसके बाप का घर हो। तुमने पूछा नहीं उससे? पूछा था, इतरा के कहने लगी शकील साहब लेकर आए अम्मा जी की खिदमत के लिए। I see. शकील ने बताया था मुझे, नर्स होगी वो, अम्मा की खिदमत के लिए इंतजाम किया उसने। जी काफी खूबसूरत इंतजाम कर लिए। एक तो सुरैया हर बात को तुम इशू बना लेती। मैं इशू बना रही हूँ? कमाल करते हैं आप, शकील साहब एक लड़की को घर में ले आए, किसी से मिलवाया नहीं, किसी को कुछ बताया नहीं, ये उसका घर है या मेरा? अच्छा बाबा, इस पे बाद में बात हो, इस वक्त मैं ये फाइल्स देखूं, काम करूं। तुम जाओ, लेट जाओ, आराम करो। सी कहानी है मेरी। अरे मेरे बच्चे, इतनी सी उम्र में इतने बड़े बड़े दुख झेल लिए तुमने। परेशानियां और गम उम्र देख के नहीं आते अम्मा जी। ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। तो तुम्हारी अम्मी को कुछ पता चला? नहीं, उनका कुछ भी पता नहीं चला। हालात ने इतनी तेजी से पलटा खाया कि मैं हालात के रेले में बहती ही चली गई। कुछ फुर्सत मिलेगी दुखों से तो अम्मी को भी तलाश कर लूं, लेकिन पहले कहीं ठहर तो जाऊं, मालूम तो हो कि वो कौन सी जगह है जहां मैं सुकून से बैठ सकती हूँ। अरे मेरी बच्ची, औरत को कब सुकून मिला है? जिंदगी बीत जाती है और यही मालूम नहीं होता है कि औरत का ठिकाना कहाँ है। छोड़ो इन बातों को, बहुत रात हो गई, तुम जाओ सो जाओ जाके। ठीक है, अल्लाह हाफिज। शब बख़ैर, शब बख़ैर।
कितना मुश्किल होता है औरत के बगैर दो चार दिन गुजार लेना। मुझे मालूम है तड़प रहे हो मेरे बगैर, करवटे बदल रहे हो, तड़पते रहो, यूं ही करवटे बदलते रहो। मैं भी देखती हूँ शकील से दीदी कैसे नहीं झुकोगे तुम, अगर तुम वकील हो तो मैं भी वकील की बीवी। सुरैया तुम अभी सोई नहीं? उलझ गई हूं। उलझ गई हूं किस बात से? उस लड़की से। सुरैया तुम भी छोटी छोटी बातों को अपने लिए अजाब बना लेती हो। आपको तो कुछ होश ही नहीं होता, छोटे बहन भाई क्या करते फिर रहे, कुछ परवाही नहीं है। देखो ये अपनी अपनी जिंदगी है, कोई कुछ भी करे हमें क्या, हमारी जिंदगी तो चैन सुकून से गुजर रही है ना। चैन सुकून से ही तो नहीं गुजर रही है, चैन सुकून बर्बाद कर दिया है हमारा। तुम भी बात का बतंगड़ बना देती हो। आप किस दुनिया के आदमी हैं? शकील एक खूबसूरत लड़की को घर में ले आया है और आते ही वो ऐसे मंडला रही है जैसे उसका अपना घर हो, और आप कह रहे बात का पतंगड़ बना रही हूं। हद हो गई है। कोई हदवद नहीं होती, तुमने खुद बताया कि शकील उसे अम्मा जान की खिदमत के लिए लेके आया है, और फिर इस घर में पहले भी नर्सेज आती रही। उन नर्सों में और इस लड़की में फर्क है। मतलब? मतलब आप खुद जान जाएंगे जब देखेंगे उस लड़की को। तो जब देखेंगे तब बात करेंगे, अभी तो मुझे नींद आ रही है। तुमने सोना नहीं है क्या? मेरी तो नींद ही उड़ गई है। जरूर कुछ चक्कर है, ये लड़की नर्स नहीं हो सकती। ओए मुझे तो नींद आ रही, मैंने सुबह ऑफिस भी जल्दी जाना है। एसी जरा तेज कर। कौन है?
हेलो यासिर, क्या कर रहा है? मुझे पता था तू फेसबुक पे लगा होगा। अच्छा सुन, वो लड़की है ना फर्स्ट ईयर वाली, नाजनीन। हाँ वही, तुझे पता है वो उस वक्त कहाँ है? मेरे घर में। हाँ तू इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है? बता रहा हूँ ना, रुक तू जा। हो गया फिर फोन क्यों नहीं किया? हेलो। ओह तो सो गए जनाब? नहीं, बहुत थक गया था आज। और थकन के अंदर भूल ही गए? नहीं फरियाद, मगर तुम हर बात का कुछ तो कुछ जरूर बना देती हो। मैं एक घंटे से तुम्हें मुसलसल फोन कर रहा था और तुम फोन नहीं पिक कर रही थी। तो और क्या करूं, तुम्हारे नजदीक बीवी की कोई अहमियत ही नहीं है। एक छोटी सी ही तो ख्वाहिश की है मैंने। हर औरत का हक होता है अलग घर लेना, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? मेरी इतनी भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती? तुम ठीक कह रही हो, मगर ये कोई तरीका तो नहीं है ना। तुम जानती हो फरियाद कि मैं अम्मा जी को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इसका मतलब है कि तुमने अब तक कोई फैसला नहीं किया। ठीक है शकील, आइंदा के बाद अब मुझे कोई फोन मत करना। अल्लाह हाफिज। हेलो फरियाद, हेलो सुन। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। शुक्रिया की क्या बात है अम्मा जी, ये तो मेरा फर्ज है, ड्यूटी है मेरी। और वैसे भी इसी काम के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ। नहीं बेटा, इतनी उम्र हो गई है मेरी, मैंने भांत भांत के लोग देखे, फर्ज अदा करने वाले, खिदमत करने वाले, ड्यूटी पूरी करने वाले सब लोगों को मैं देख चुकी हूँ। और खिदमत में और ड्यूटी में जो फर्क है उसे अच्छी तरह पहचानती हूँ। अब आप ज्यादा बातें ना करें, आराम करें, मैं आपके लिए दलिया बना के लाती हूँ, ठीक है? अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जीती रहो।
जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। इतनी सी बोर्ड जाती हो मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। मुझे जाने दे नबील, मैंने जाके अम्मा जी को दलिया देना है। शकील सर ने मुझसे कहा था कि अम्मा जी को रोज सुबह नाश्ते में दलिया देना होता है। सिर्फ अम्मा जी की खिदमत करोगी या और भी किसी की खिदमत कर सकते हो? क्या मतलब? सब तुम घबराती हो और अच्छी है, तुम्हारी आंखें खौफ से फैल गई और बड़ी बड़ी लगने लगती हैं। याद है ना हम बोर्डिंग में साथ? मोबाइल प्लीज मुझे जाने दे। एक शर्त। कैसी शर्त? तो मेरे लिए भी चाय बनाओगी? चाय ठीक है बना दूंगी, लेकिन पहले अम्मा जी को नाश्ता करा दूं। श्योर, और चाय मैं अपने रूम में पीऊंगी। मैं आपको लाउंज में ही चाय ला दूंगी। मेरे रूम शकील भाई के रूम से नेक्स्ट वाला रूम मेरा। इंतजार कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रही हो? चाय देने। चाय देने किसको? नबील को। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो नाज़नीन, तुम इस घर में मुलाजिम नहीं हो, समझी? जी। आइंदा कोई भी तुमसे काम करने को कहे तो मना कर देना, कहना कि तुम इस घर में मेहमान हो और मुलाजिम नहीं। मेहमान? हाँ मेहमान। लेकिन सब, मैं तो यहाँ अम्मा जी की खिदमत करने के लिए आई हूँ ना। अम्मा जी की खिदमत करने वाले मुलाजिम नहीं होते। कोई भी काम कहे मना कर देना, बल्कि मेरे साथ चलो, मैं खुद ही मना कर देता हूँ आपको। नहीं नहीं सर, अभी नहीं। कहीं वो ये ना समझे कि मैंने आपसे शिकायत की है। चलो ठीक है, मैं खुद बात करूंगा, बल्कि सबसे। Thank you.
मैंने चाय टेबल पर रख दी है। बहुत अच्छा दलिया बनाया था। शुक्रिया, और लेकर आऊं? नहीं बेटा, अब जी भर गया। जी। वो एक बात सुनो, तुम मुझे इस कमरे से बाहर निकालो, यहाँ कमरे में पड़े पड़े मैं बड़ी तंग आ गई, दिल बहुत घबरा रहा है मेरा। बिल्कुल ठीक है, आप सिर्फ मुझे 5 मिनट दें, मैं बर्तन रखकर आती हूँ, मैं आपको चेंज कराऊंगी और बाहर लॉन में ले जाऊंगी। ठीक है बेटा, खुश रहो, मैं तुम्हें जिंदगी दे। मैं ये पूछ रही थी बेटा, आज छुट्टी है ना? आज सब लोग घर में होंगे, लेकिन कोई यहाँ आता ही नहीं, इस तरफ झांकता ही नहीं है। ये कोई शकील है, उसको कभी अगर वक्त मिल जाए तो आ जाता है, वो भी जब उसकी बीवी घर पे ना हो। अम्मा जी, आप दिल छोटा ना करें, जिस दिन सबको आपकी अहमियत का एहसास होगा ना, आप देखिएगा सब आपके इर्द गिर्द होंगे। नहीं बेटा, बूढ़े माँ बाप जो होते हैं ना, घर के फालतू सामान की तरह होते। आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? शकील सर को आपकी बहुत फिक्र रहती है, आपको पता है वो मुझसे कह रहे थे कि मुझे मालूम है वो क्या कह रहा होगा। तुम ऐसा करो, जाके जल्दी से वापस आ जाओ, फिर हम लोग लॉन में बैठ के ना खूब बातें करेंगे। धूप तो ढल गई होगी ना? जी, और बाहर बहुत ठंडी हवा भी चल रही है, बस मैं भी आती हूँ। ओके बेटा, खुश। देख रही हैं अम्मा जी, कितना खुशगवार मौसम, और आज तो हब्स भी नहीं है, ठंडी हवा चल रही है। खुश रहो बेटी, खुश रहो। बैठो, ये देखो ये सारी क्यारियां, ये फूल पौधे सब मैंने लगाए हैं। जब मैं क्यारियों को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब फूल खिलते थे तो मैं बहुत खुश होती थी। लेकिन अब तो बाहर लॉन में आए कई कई दिन गुजर जाते हैं, तब कहीं आती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अब मैं आपको हर रोज लॉन में लेकर आया करूँगी। जीती रहो। Thank you.
उधर क्या देख रही नाजरी? कौन है उधर? जी वो तो कोई नहीं। तो कोई भी नहीं है? हाँ वहाँ तो कोई भी नहीं है। तो फिर क्या देख रही थी? कुछ भी तो नहीं। अच्छा खैर छोड़ो, तुम ऐसा करो आज इतवार है, सब लोग सुबह नाश्ता करने आ रहे होंगे, तो मुझे कमरे में पहुंचा। जी बिल्कुल। घर तो आ मेरे पास, एक प्यार तो दे दो गुड़िया। जी नाश्ता नहीं करती? नहीं बेटा, वो डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ, कहते सिर्फ दलिया खा। अभी आधे घंटे बाद खा लूंगी। मेरी बहू जो है ना वो बनाकर भेजती है, कभी नहीं भी भेजती। आपसे एक सवाल पूछो। हाँ पूछो। आपने मुझसे कहा था कि आपकी बेटी भी यहीं रहती है, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। अच्छी बात है, इसे अपना ही घर समझो। जब तक यहाँ हो बिल्कुल आराम से सुकून से रहो, और हाँ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दें। शुक्रिया सर, लेकिन मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नहीं यार, ज़रूरत तो पड़ती है, कपड़ों की ज़रूरत होगी ना। मैं ऐसा करता हूँ, सायरा से कह देता हूँ, वो तुम्हारे लिए कुछ ख़रीदारी कर लेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इंग्लिश में नहीं कह रही हूँ, जो तुम समझ रही हो वही कह रही हूँ। और तुम्हारा सामान कहाँ है? कुछ खास सामान नहीं है मेरे पास। ATV, सारे रंग हमारे।